अगर मैं इसकी अर्निंग की बात करूं तो यहां से आप लोग $100, $200, $300 ज़्यादा से ज़्यादा $500 तक की अर्निंग कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, मैं आपको लाइव दिखाने वाली भी हूं कि लोग यहां से $500 के तक की अर्निंग कर रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा काम करना चाहते हैं जो टाइपिंग जॉब्स हों, जिसमें आप लोगों को नेम टाइप करना हो? नेम टाइप करना तो सबको ही आता होगा, टाइपिंग में सबसे आसान काम नेम टाइप करना ही है। जस्ट आप लोग अगर नेम टाइप करना आता है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर मैं इसकी अर्निंग की बात करूं तो यहां से आप लोग $100, $200, $300 या ज़्यादा से ज़्यादा $500 तक की अर्निंग कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, मैं आपको लाइव दिखाने वाली भी हूं कि लोग यहां से $500 के तक की अर्निंग कर रहे हैं। कैसे आप लोग टाइपिंग जॉब करके भी घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपने ये काम स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं और इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट काम है कि वो इस तरह का टाइपिंग जॉब करके भी ऑनलाइन अर्निंग करें। तो स्टूडेंट को इस पर अप्लाई करके ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपने इस काम के लिए अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे यहाँ से विड्रॉवल लेना है, कैसे यहाँ पर काम करना है, अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। फुल वॉच करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा मेथड आपको इसी वीडियो में बताना है और आप लोग इस वीडियो को देखने के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। इस तरह की मजीद ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि इस तरह की मजीद ऑनलाइन अर्निंग से एंड सिंपल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस में आप लोगों के लिए लाती रहूं, तो आप लोग सबसे पहले उसे वॉच कर सकें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, बहुत आसान काम है। कुछ काम जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग काम होते हैं, मुश्किल काम होते हैं, कुछ काम जो होते हैं वो आसान होते हैं। मतलब ये नहीं है कि आसान है तो इसकी अर्निंग भी कम होगी, नहीं, आसान है लेकिन इसकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है तो भी आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट चाहे आप मोबाइल में चलाएं या चाहे आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चलाएं, आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है, मोबाइल है तो मोबाइल से करें, लैपटॉप है तो लैपटॉप से एंड पीसी है तो पीसी से, जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। काम बहुत आसान है, करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो अच्छा है, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो उसके बाद अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आपने कमिट में आकर बैड कमिट्स नहीं करने हैं, इसलिए वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी तरह से समझना है और समझने के बाद ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करते नहीं हैं और अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, उन्हें अच्छी तरीके से समझ आता नहीं और वो अप्लाई जब करते हैं तो कुछ चीज़ों की मिस्टेक कर देते हैं और फिर उसके बाद वो उनका काम सही तरीके से नहीं हो पाता और फिर बैड कमिट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपने जो वीडियो बनाई है वो फेक है, ये काम फेक है, मैंने अप्लाई किया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इस तरह के कमेंट्स मत किया करें, पहले वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच किया करें, उसके बाद अगर कोई चीज़ ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल को ओपन कर लेना है। आप लोगों ने गूगल पर सर्च कर लेना है squadhelp.com। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेकंड वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दी स्मार्टेस्ट फास्टेस्ट वेज टू नेम आ स्टार्टअप। अब इधर जो नेम का जिक्र है वो क्यों किया गया है, क्योंकि मैं आज का काम ये है कि आप लोगों ने करना क्या है, जब किसी नए ब्रांड्स की डिफरेंट से यहाँ पर ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स की जब ओपनिंग होती है तो उनके लिए आपको नाम सजेस्ट करने हैं। जस्ट आपने नाम सजेस्ट करने हैं, नाम सजेस्ट करने के वो आपको रिटर्न बैक करते हैं, अर्निंग होती है इससे आपकी और आपको डॉलर्स में पे किया जाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं, ऐप हो सकते हैं, कोई चैनल हो सकते हैं, इनके लिए नाम डिफरेंट जगहों के लिए आपको नाम सजेस्ट करने होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि ब्रांड्स में मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर कोई कपड़े का ब्रांड बनाना चाहता है या कोई
ब्यूटी एंड टिप्स का ब्रांड बनाना चाहता है या कोई ब्यूटिशियन का ब्रांड बनाना चाहता है तो उसके लिए उसे नाम चाहिए, तो बस आप लोगों ने उन्हें नाम सजेस्ट करना है। नाम कैसे करना है ये मैं अब आपको बताती हूँ। स्टार्ट कॉन्टेस्ट पे आपने क्लिक कर लेना है, उसके बाद आप लोग चेक करते हैं व्हाट डू यू नीड हेल्प विन। अब आपके पास यहाँ पर दो कैटेगरी शो हो रही हैं, एक नेम है और दूसरा लोगो है। अगर आपने जस्ट नेम का काम करना है तो आपने नेम पे क्लिक कर देना है, और अगर आपको लोगो का वर्क आता है, लोगो कैसे बनाया जाता है ये पता है, तो ये काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। और लोगों के वर्क की जो अर्निंग भी ज़्यादा होती है, तो ये काम भी आपको अगर आता है तो आपको करना चाहिए। उसके बाद बैक कर लेते हैं, तो मज़ीद बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपके पास ये नेमिंग कॉन्टेस्ट शो हो रहा है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे सेटिंग्स आ रही हैं, इस सेटिंग्स में आप लोगों ने सेंट विनर्स, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। पर आप क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। एक बंदे ने नाम सजेस्ट किया है कंपनी के लिए बाय रेंडर, उसे $135 दिए गए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, आए बलासिक नाम सजेस्ट किया है, उसके लिए आपको $300 दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ वी ग्लो, ये नाम सजेस्ट करने के लिए 21 लाइक्स दिए गए हैं और इसके लिए आपको $1100 दिए गए हैं। नेक्स्ट है इसके लिए आपको $200 दिए गए हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये $135 दिए गए हैं, $500 दिए गए हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद बैक कर लेना है, बैक करने के बाद ओपन कर लेनी है वेबसाइट को, दोबारा से आप लोगों ने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद ऊपर ये आपके पास 3 लाइन्स शो हो रही हैं, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेमिंग कॉन्टेस्ट को आप लोगों ने क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों ने एक्टिव कॉन्टेस्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। एक्टिव कॉन्टेस्ट को आप लोगों ने क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 चार स्टेप्स दिए गए हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, अब आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी, जो दो सीक्रेट ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली सीक्रेट ट्रिक ये है, आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें एंट्रीज कम हो, ठीक है। तो ये कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। फॉर आर रेवोल्यूशनरी नेशनल लॉन्ड्री केयर ब्रांड, अब आपने नेशनल लॉन्ड्री केयर ब्रांड जो है इसके लिए आपने नाम सजेस्ट करना है, उसको आप उसके लिए आपको यहाँ पर $1500 दिए जाएंगे, ठीक है। अब एंट्रीज देख सकते हैं आप, इसकी 162 एंट्रीज हैं इसकी, आप लोगों ने एंट्रीज कम लेनी है। अब नेक्स्ट चेक कर सकते हैं आप लोग, 236 एंट्री है। नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, 571 एंट्रीज हैं, कम से कम एंट्रीज वाली कंपनी लेनी है, ठीक है। पहली ट्रिक तो ये थी जो मैंने आपको बता दी, अब सेकंड ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। दूसरी ट्रिक ये है कि जो आप नाम सजेस्ट करेंगे उसकी लाइकिंग आप कैसे बढ़ा सकते हैं। उसकी लाइकिंग आप ऐसे बढ़ा सकते हैं कि जो भी आपने सर्च किया है उसकी आपने डोमेन भी साथ में ही बतानी है कि इसकी डोमेन भी अवेलेबल है। ये आप कैसे बता सकते हैं, आपने ब्रांड का नाम सबसे पहले सोच लेने हैं, जैसे कि मैं सोच लेती हूँ जी जी एजेंसी की डोमेन अवेलेबल है, ये आपने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये कैसे करनी है, गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद सर्च कर लेना है गो डैडी को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हर वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है GG एजेंसी, जो भी आपने ब्रांड का नाम सोचा होगा वो। अब आप लोगों ने देखना है कि यहाँ से कौन सी .com में डोमेन अवेलेबल है, उससे आप लोगों ने इनको नाम सजेस्ट करना है। इससे क्या होता है, इससे आपके नाम की लाइकिंग बढ़ती है, और साथ ही आप लोगों ने इनको बताना है कि जो आप लोगों ने नाम सजेस्ट किया है उसकी डोमेन भी अवेलेबल है, इससे आपके नाम की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगेन आप लोगों ने वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद कुछ डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है, और आप अगर आप साइनअप करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से साइनअप भी कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद 3 लाइन्स पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नेम फॉर सेल्स की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ये भी आप लोगों ने इसकी डिटेल्स भी पढ़ लेनी है। और इसके बाद आप लोगों ने टेस्ट प्राइसिंग की भी आप लोगों ने डिटेल्स पढ़ लेनी है।
उसके बाद आप लोगों ने बैक कर लेना है। उसके बाद हाउ डज स्क्वाड हेल्प वर्क्स, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद थ्री वेज टू यूज स्क्वाड हेल्प, थ्री वेज दिए गए हैं, इसको आप लोगों ने बाद में रीड कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिल आउट योर नेमिंग बीफ एंड बिगेन रिसीविंग नेम आइडियाज़ इन मिनट्स, ये उनके लिए है जो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, ये उनके लिए, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अगर मैं विथड्रॉवल की बात करूँ तो विथड्रॉवल आप लोग यहाँ से पायनियर एंड पेपाल के ज़रिए आप लोग यहाँ से विथड्रॉवल कर सकते हैं आसानी से। और अगर आप लोग सोचते हैं कि विथड्रॉवल के लिए पायनियर एंड पेपाल पर अकाउंट नहीं बनता तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। बहुत आसानी से पायनियर एंड पेपाल पर अकाउंट बन जाता है, तो इससे आप विथड्रॉवल आसानी से कर सकते हैं यहाँ से। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और बहुत ही इजी वर्क है, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को ऑल करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल करेंगे तो ही आपके पास फ़ौरन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी एक न्यू ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो के साथ।